बार स्क्रीन आउट हो चुका था तो वो दिमाग में ट्रॉमा चल रहा था। सर बताते हैं कि टास्किंग ज़्यादा रखनी है, एक टाइम पे सब चुप हो जाएंगे, बस उसी का एक बेनिफिट उठा के अपने पॉइंट्स रखना है, सबको कन्विंस करना है। एज यू ऑल नो दिस इज प्रिंस सोनी, आई गॉट रिकमेंडेशन फ्रॉम 17 SSB बैंगलोर। माई SSB वॉज ऑन 29th ऑफ जैन एंड आई गॉट रिकमेंडेड ऑन 2nd ऑफ फैब। द रिपोर्टिंग वॉज 82, स्क्रीन एंड वॉज 34 एंड 10 guys were recommended and I was one of them fortunately. So it was my second attempt. I was screen out from 22 SSB Bhopal. At that time I didn't do done any coaching, nothing. I just prepped by myself only from YouTube. But after getting screen out, I come to know that this is not done and I need to work more. I need to understand the procedure best and everything. As sir has also mentioned that one of my classmate Kanisha Gupta, she was recommended from for NDA 148 course. So we were just sitting and she recommended me, and I was also searching on YouTube for the best coaching that can guide me well and I can cater my full potential so that I can present to it to the SSB center and finally pursue my dream and get the recommendation. So In the month of October, I came to Centurion Defence Academy and I took the 21 days program from it. So I found Centurion Defence Academy very suitable, I would say quite very very much suitable for the SSB preparations, because the one thing I would mention that here things which are being taught and the standard of the test are being A+. If the test are having standard 1, so here Centurion Defence Academy you will be tested by plus 2, so it is the very best. Now I would like to share my SSB experience. So on 28th of Jan I reached Bangalore. Main aur papa gaye the, humne hotel liya, hum wahan raat mein ruke. Next day on 29th of January I had reporting. I was to be honest, I was scared because एक बार स्क्रीन आउट हो चुका था तो वो दिमाग में ट्रॉमा चल रहा था कि व्हाट इफ इस बार, व्हाट इफ क्या होगा ये वो। बट व्हेन आई रीच द सिलेक्शन सेंटर आई फेल्ट सम पॉजिटिव वाइब्स एंड एट दैट टाइम आई हैव डिसाइडेड दैट ओके आई हैव रीच सो फार, आई विल नॉट गेट स्क्रीन आउट एट एनी चांस। कम से कम पहले दिन तो बाहर होना ही नहीं है। सो आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड। मैं गया वहाँ पर, हमारी पहले वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन हुई। डॉक्यूमेंटेशन के बाद हमें ब्रेकफास्ट के लिए भेज दिया गया। उसके बाद हम लोगों को चेस्ट नंबर्स अलॉट किए गए, फिर वहाँ एक रूम में, हॉल में बिठा दिया गया इंस्ट्रक्शंस के लिए। वही जनरल इंस्ट्रक्शंस जो हमें यहाँ सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में बताए जाते हैं, वही सेम तरीके से वो वहाँ पर आएंगे, GTO सर आएंगे, वो हमें इंस्ट्रक्शंस देंगे, सब कुछ ब्रीफ करेंगे एक एक करके। तो वही उनके इंस्ट्रक्शन सुनना है, प्लस थोड़े डॉक्यूमेंट्स वो बोलेंगे, जैसा वो बोलेंगे वही करना है, सिंपल प्रोसीजर। उसके बाद हमें रूम में ले जाया गया। फॉर्चुनेटली इट वॉज माई आइडल्स हॉल, नेम मेजर संदीप उन्नीकृष्णन हॉल। तो वहाँ गए, वहाँ हमारा वायर हुआ। वायर वॉज वेरी गुड, कुछ ऐसा नहीं था जो इधर उधर से आया हो। हमें क्या कहते SSB कोर्स जो हम करते हैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी से, तो हमें काफ़ी वर्कशीट्स मिलती हैं। सो एवरीथिंग वॉज फ्रॉम देयर ओनली, नथिंग कम्स फ्रॉम आउटसाइड। तो वो काफ़ी हेल्पफुल था। मैं इन्हीं के जो यही सेट्स थे वही सब लगा के गया था, थोड़ा बहुत इंटरनेट से हेल्प लिया था। तो माय ओआर वाज गुड, दोनों सेट्स अच्छे गए थे, बिफोर द टाइम सारे कंप्लीट हो गए थे। नाउ द टर्न वाज PPDT। PPDT के टाइम पर हमें एक अच्छी पिक्चर दिखाई गई, पॉजिटिव पिक्चर ही थी। उसमें दो मेंस थे और दो लेडी थी, साथ में एक खिड़की से एक बच्चा था। तो स्टोरी काफ़ी सही बन गई थी, सेलिब्रेशन की कुछ बनाई थी, क्योंकि वहाँ पर पॉजिटिव मूड ही लग रहा था। एवरीवन वाज लाफिंग एंड हैविंग विद ही ड्रेस पहने, जैसे हम ओकेजन्स पर पहनते, लाइक बॉयज़ वर हैविंग सूट्स एंड गर्ल्स वर हैविंग ट्रेडिशनल्स। सो माई स्टोरी वॉज गुड। जब स्टोरी लिखी तो आई गॉट द कॉन्फिडेंस, ठीक है यहाँ तक मतलब सही जा रहा है, OIR हो गया है सही, और मतलब जैसा OIR सोचा था वैसे OIR गया था। स्टोरी भी अच्छी बन गई थी, टास्किंग जैसे सर बताते हैं कि टास्किंग ज़्यादा रखनी है पहले, क्या कहते हैं लेड टू द सिचुएशन सही रखना है, फिर टास्क सही रखने हैं उसमें, फिर एक अच्छी सी एंडिंग रखनी है। तो वही बिल्कुल वही मैंने वही फॉलो किया, नथिंग मतलब खुद से मतलब कुछ ऐसा दिमाग लगाया ही नहीं।
जैसा सीख के गया था वैसे ही वहीं पे किया. तो आई वॉट कॉन्फिडेंट, ठीक है स्टोरी तक अच्छा हो गया. नाउ कम टू द नरेशन पार्ट. द वेरी बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी कि यहाँ हम काफ़ी लोगों के साथ PPDT की प्रैक्टिस करते हैं. वहाँ अगर हमें 10-15 ग्रुप मिलेगा तो यहाँ हम करीब 25 के साथ करते हैं. उसमें से भी साथ में ग्रेजुएट एंट्री वाले CDS FCAT वाले भैया दीदी बैठते हैं, तो उनके साथ जब आप कम्पीट करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, थोड़ा नहीं काफ़ी कुछ. तो वैसे ही मैं वहाँ बैठा तो कुछ ऐसा अलग से फील नहीं हो रहा था कि मेन सिलेक्शन सेंटर पे हूँ, मेन PPDT चल रहा है. इट वाज ऑल लाइक कि हाँ जैसे कोचिंग में प्रैक्टिस करते थे बिल्कुल वैसे ही, कि नॉर्मल एक टेस्टिंग प्रोसीजर है, बस उसमें ही नरेशन करना है. व्हेन आई गॉट माय चांस तो मैंने अच्छे से नरेशन किया, काफ़ी लाउड वॉइस में किया. तो माय नरेशन वाज वेरी गुड, कहीं पर स्टैमरिंग नहीं हुई, फंबल नहीं हुआ, स्मूथली आई गेव द नरेशन विद इन 1 मिनट. इफ इन केस फिश मार्केट का सिनेरियो बनता है तो हमें कैसे करना है, तो इस चीज़ का फ़ायदा जब होता है कि जब सेंचुरी में PPDT हो जाती है तो इसके बाद हमें इंडिविजुअल फीडबैक मिलता है, प्लस क्लासेस में हमें सिखाया जाता है GD कैसे हैंडल करना है, कैसे क्या हैंडल करना है. तो बस वही टिप्स फॉलो करी जो नॉर्मल फिश मार्केट में क्रैक्स वगैरह होते हैं. मतलब एक टाइम जब आएगा जब सब बोल रहे होंगे एक टाइम पे सब चुप हो जाएंगे, बस उसी का एक बेनिफिट उठा के अपने पॉइंट्स रखना है, सबको कन्विंस करना है. आई डिड द सेम. मैंने देखा कि जो कॉमन थीम दो बनी थी, एक बर्थडे पार्टी की बनी थी और एक एनिवर्सरी की बनी थी. बर्थडे पार्टी वॉज कॉमन, आई ऑल्सो मेड द स्टोरी ऑन बर्थडे पार्टी, तो काफ़ी कन्विंस हो गए थे एंड वी हैड द डिस्कशन फर्दर. हमने साथ में अच्छे से सब ने डिस्कशन किया, एवरी वन वॉज कोऑपरेटिंग, हमारी कॉमन स्टोरी बनी एंड फॉर्चुनेटली आई वॉज नॉमिनेटेड टू टेल द कॉमन स्टोरी. भले ही मैं यहाँ पर सेंचुरियन में किया है, मैं यहाँ तक मुझे मौका नहीं मिला था, बट आई वॉज प्रैक्टिस सो वेल कि वहाँ जाके मुझे नॉमिनेट किया और मैंने ग्रुप की कॉमन स्टोरी दी. सो इसके बाद हमें क्या, हमें लंच के लिए भेज दिया गया. बट ड्यूरिंग हैविंग लंच आई वॉज इंट्रोस्पेक्टिंग दैट आई हैड डन एनी थिंग रॉन्ग सो दैट माई चांसेज वुड बी लेसर ऑफ स्क्रीनिंग इन. सो आई वॉज ईटिंग एंड थिंकिंग दैट, फिर मुझे लगा कि नहीं ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, आई विल डेफिनेटली गेट स्क्रीन इन. सो आई गॉट स्क्रीन इन, माई चेस्ट नंबर वॉज 17. सो हमें उस दिन के लिए डॉर्मेट्री अलॉट कर दी गई, हमें भेज दिया गया. तो उस दिन हम लोगों को वहीं पर स्टे करने को बोला. अगले दिन हमारा साइक था, हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस मिल गए थे शाम को कि सुबह 7 बजे वहाँ रिपोर्ट करना है. तो हम लोग सब रेडी होके वहाँ पर गए साइकोलॉजी के लिए. वहाँ पर गए जो साइकोलॉजिस्ट मैम थी, उनने वही इंस्ट्रक्शंस दिए जैसे हमें यहाँ डोजियर से पहले मिलते हैं. एक पूरी बुकलेट दी जिसमें TAT, WAT, SRT और SD के लिए स्पेस वगैरह थे. तो भाई TAT के हमें वही 11 पिक्चर्स और एक ब्लैंक पिक्चर दिखाई गई. नाउ टाइम फॉर द WAT. मैम थी, उनने फिर वही इंस्ट्रक्शंस दिए कि देयर वुड बी 60 वर्ड्स, वी विल बी गेटिंग 15 सेकंड फॉर ईच एंड वी हैव टू राइट अ सेंटेंस फॉर दैट. तो WAT भी सही गया था. फिर उसके बाद हमें दे दिया गया रेस्ट SRT के पहले. उसके बाद हम SRT करने गए. SRT मेरा अच्छा गया, आई डिड 38 SRTs. ऐसा नहीं है कि मतलब ज़्यादा SRT करो तो रिकमेंड होगा, कम होगा तो नहीं होगा. यू हैव हर्ड अबाउट पीयूष सिंह, ही इज ऑल्सो रिकमेंडेड फ्रॉम इलाहाबाद. तो उसने 26 SRTs करी थी एंड स्टिल ही इज़ रिकमेंडेड. जैसे आप सर की कोचिंग लेंगे तो SRTs की सर कोचिंग में, सर क्लास में सर बताते हैं कि क्वान्टिटी डजेंट मैटर, क्वालिटी इज़ मैटर. तो 38 मैंने SRTs कर पाई. SD भी मेरा अच्छा गया था. SD के लिए हमें क्या है, यहाँ पर एक गोल्डन चांस मिलता है. सर कहते हैं कि SD अपना पूरा कंप्लीट करके एक बार सर से चेक करा लें. मतलब जब आप लोग भी SSB की प्रिपरेशन करें यहाँ से तो अपना SD लेके प्लीज़ सर से चेक कराएं, वो काफ़ी यूज़फुल हो जाता है वो. तो SD मैंने सर से चेक करा लिया था. सर ने कुछ पिन पॉइंट्स बताए थे, वही मैंने एडिट किया और मैंने उसमें कुछ ऐसा नया नहीं किया, वही SD लिखा. सर कहते थे ठीक है वो. फिर अब जिस दिन मेरा साइकोलॉजी था उस दिन ही मुझे सरप्राइज़ मिला कि मेरा शाम को इंटरव्यू है. तो हमारी साइकोलॉजी ख़त्म हो गई थी 11 बजे, तो मेरा इंटरव्यू था. उन्होंने इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर आपको दे देंगे कि हमारा बेंगलोर बोर्ड में आपको जंक्शन है, T-junction कहते हैं जैसे, तो वहीं पर सब बैठते हैं. तो उन्होंने बोला, मेरा चेस्ट नंबर क्योंकि 17 था तो उन्होंने कहा जैसे ही 15 चेस्ट नंबर आए आपको अंदर जाना है. ठीक है, तो भाई आप, उनने कहा 5:30 बजे बैठना आपको, आप T-junction पर बैठ जाएंगे, जब 15 चेस्ट नंबर आए तब आपको अंदर जाना है. तो ठीक है, जैसा 15 चेस्ट नंबर आया तो मैं गया वहाँ पर वेटिंग रूम में.
ऑब्वियसली मैं थोड़ा डरा हुआ था कि चलो अब इंटरव्यू है, अब क्या होगा, नर्वसनेस तो हर जगह ही होती है। तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी पीता गया। वहाँ पर एक कोट लिखी थी, मुझे अभी तक याद है, कि गॉड प्लीज़ टेक मर्सी अपॉन माय एनिमीज बिकॉज आई विल नॉट। कहीं ना किसी को थोड़ी ऑर्डिनरी लगी होगी, पर पता नहीं क्यों मुझे बहुत मोटिवेटिंग लगी है। सो आई वॉज स्टूड स्ट्रेट एंड वहाँ से आता है बेल बजेगी और आपको भैया एक आएंगे, वो बुलाने आएंगे। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने लिया था, कर्नल अमित द्वा। मैं गया अंदर तो ही मेड बी कम्फर्टेबल, उन्होंने बैठा ला। तो उन्होंने कहा ठीक है, वी विल हैव आर डिस्कशन एंड लिटिल कन्वर्जेशन ऑफ 45 मिनट्स एंड नथिंग मोर। वट आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर ऑल्सो मोर बिकॉज ही इज़ अ वेरी वेरी बेस्ट इंटरव्यूअर आई वुड से। तो उन्होंने अच्छा इंटरव्यू लिया, उन्होंने पिन पॉइंट्स बताए कहाँ पर गड़बड़ हो रही है, कहाँ पर अच्छा है, कहाँ पर और स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए। तो वही चीज़ नोट करी, वही उसी पर ही काम किया। तो 45 मिनट्स का इंटरव्यू पता नहीं कब ख़त्म हो गया, समझ में ही नहीं आया। तो इंटरव्यू मेरा सबसे अच्छा गया था वहाँ पे। तो शाम के मेरा ख़त्म हुआ इंटरव्यू, 7 बजे के अराउंड में बाहर आया। आई वॉज वेरी हैप्पी कि ठीक है, साइक अगर एवरेज गया तो इंटरव्यू मेरा सबसे बेस्ट गया। सो दैट अब क्या होगा कि अब जो आने वाले 2-3 दिन बचे हैं तो GT गई है, तो अब अच्छे से उस पर फोकस कर पाऊँगा। तो फिर अगले दिन क्या हुआ, हम लोगों को वहाँ पर GT के लिए ले जाया गया। सबसे पहले वही GD वगैरह होता है। तो GD का हम लोगों को पहला टॉपिक मिला था कि इंडिया के डेवलपमेंट में कौन सी कंट्रीज़ का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और उन्हें किससे रिश्ता अच्छे रखने चाहिए। लीड्स व वेस्टर्न कंट्रीज़, गल्फ कंट्रीज़ एंड साउथ एशियन कंट्रीज़। आई टुक वेस्टर्न कंट्रीज़ बिकॉज न्यूज़ में इतना कुछ ही चल रहा था कि वेस्टर्न कंट्रीज़ का मेरे पास काफ़ी फैक्ट्स थे। बिकॉज यहाँ पर GD में ये सिखाया गया था हमारे यश सर ने कि अगर जनरल पॉइंट, छोटी सी ट्रिक बताई थी पर वो काफ़ी मीनिंगफुल है, कि GD में अगर कभी कोई जनरल पॉइंट मारेंगे तो क्या है, वो काउंटर हो सकता है, कि जनरल पॉइंट कोई भी दबा देगा या बदल भी सकता है, पर हम अगर कभी फैक्ट मारेंगे तो फैक्ट कोई बदल नहीं पाएगा। और फैक्ट से ये एक इन्फ्लुएंस पावर दिखती है, खुद को कॉन्फिडेंस आता है। तो यहाँ पर क्या है कि कर्नल शर्मा सर सुबह उसकी क्लास लेते थे न्यूज़ रीडिंग की, तो करंट अफेयर्स अपडेट रहती थी। शाम को हम लोग खुद पढ़ते थे, GD की भी क्लासेस लगती थी, यस सर लेते थे, काफ़ी टॉपिक्स वो खुद बताते थे कहाँ से कैसा पढ़ना है, क्या करना है। तो ऑनलाइन भी काफ़ी यूट्यूब चैनल्स हैं, उससे भी हेल्प ली। तो करंट अफेयर्स का उससे अच्छा हो गया था और करंट अफेयर्स उस टाइम पर बहुत अच्छी चलती थी। तो और दूसरा GD का टॉपिक था हमारा कि अल्कोहल की क्या एज होनी चाहिए, लेस देन 18 सही है, 18 सही है और अबव 21। तो मैंने लीड ली थी कि 18 अबव सही रहेगा उसका, मतलब काफ़ी साइंटिफिक पॉइंट्स भी डाले उसमें, क्योंकि आई वॉज गुड एट साइंस, केमिस्ट्री भी अच्छी थी, तो काफ़ी साइंटिफिक पॉइंट्स डाले अल्कोहल के रिगार्डिंग। तो वहाँ पर काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ और अच्छा हम लोगों का GD अच्छा हुआ, कोई ऐसा फिश मार्केट नहीं हुआ। माई ग्रुप वॉज कोऑपरेटिंग, माई ग्रुप वॉज वेरी गुड, हम सब कोऑपरेट करते थे एक दूसरे को। हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी कि GD छोड़िए, जो ग्रुप टास्क होते हैं वहाँ भी कोई ऐसा आगे पीछे नहीं था। नाउ कम टू GP हमारा अच्छा हुआ, प्रॉपर डिस्कशन हुआ, केस अच्छे समझ में आ गया था। यहाँ पर काफ़ी प्रैक्टिस भी करी थी, 3-4 बार सेशन तो हमारे हुए थे यहाँ पे GP के, वैसे ही डिस्कशन हुआ तो नथिंग वॉज न्यू, क्योंकि यहाँ पर इतनी प्रैक्टिस कर गए थे तो वहाँ पर कुछ नया लग ही नहीं रहा था। GP के बाद हमारा क्या कहते हैं वहाँ पर फिर PGT के लिए ले गए। PGT हमारा बहुत अच्छा गया, मतलब फर्स्ट सेकंड ऑब्स्टेकल सही था, थर्ड भी अच्छा था, पर फोर्थ वाज वेरी डिफ़िकल्ट। बट आई हैड मेंशन कि हमारा ग्रुप बहुत ही अच्छा था, एवरीवन वाज वेरी फ्रेंडली, हैड अ गुड ब्रदरहुड। हमने अच्छे से अपने सारे ऑब्स्टेकल किए बिफोर टाइम। फिर इसके बाद हमें HGT के लिए ले जाया गया। HGT हमारा बहुत अच्छा गया। HGT के बाद हमें रेस्ट दिया गया। HGT के बाद फिर हमारा हुआ लेक्चरेट में दिए गए टॉपिक्स थे ड्रग मेनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया और ग्लोबल वार्मिंग थी, और एक मेरे को मुझे याद नहीं आ रहा। तो आई टुक ग्लोबल वार्मिंग बिकॉज करंट अफेयर्स में उस टाइम पे हाइड्रोजन फ्यूल का चल रहा था, अरुणाचल प्रदेश का भी एक वो अपडेट आया था कि 2025 तक ग्रीन फ्यूल एनर्जी का फर्स्ट स्टेट बन जाएगा। तो मैंने उसमें एक प्रॉपर लेक्चर बनाया, उसमें साइंटिफिक पॉइंट्स डाले, उसमें करंट अपडेट्स डाला, तो वो एक प्रॉपर लेक्चर बन गया था। थोड़ा बहुत फंबल हुआ था बट ठीक है, वो सब चल गया था वहाँ पर। फिर हमारा GOR हुआ, GOR बहुत अच्छा था, क्योंकि मेन थिंग इज़ कोऑपरेशन एंड योर ग्रुप। हमारा ग्रुप बहुत ही अच्छा था, GOR भी हमारा बहुत अच्छा गया, सब हम लोगों ने ही रेस जीती थी। अगले दिन IO के लिए गए, तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में जैसे हमारे यहाँ पर तो काफ़ी अच्छे, मतलब काफ़ी लंबे स्टैंडर्ड के हैं। जैसे आप बेंगलोर बोर्ड में जाओगे
तो इससे आधा ही आपको वो कमांडो वॉक मिलेगा। बर्मा ब्रिज क्या है, आपको आधा ही करना पड़ेगा क्योंकि रस्सी उनने पहले डाल दी है, सीढ़ी बाद में है उसकी। तो बर्मा ब्रिज भी अच्छा हो गया था, तो आउट ऑफ 10 मैंने एक एक्स्ट्रा ही कर दी, मैंने 11 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स किए थे वहाँ पर, तो बिकॉज आई हैड द गुड स्टैमिना और उस टाइम पे गुड अच्छा फिजिक भी हो गया था, तो आई डिड 11 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। फिर उसके बाद हमारा कमांड टास्क हुआ, तो ये पैटर्न समझ में आ गया था कि जो बंदे रिकमेंड थे उनको सर ने एंड में ही लिया था, तो मुझे बॉम्ब वाला मिला था, उसमें भी सर ने इतना ऐड किया था कि बॉम्ब वाले में जनरली ये होता है एक साइड से मतलब अपना रास्ता बना के बॉम्ब डिफ्यूज़ करके या लेके आना है, बट आई गॉट दी इंस्ट्रक्शंस के आपको एक पाथ लेना है और अगले पाथ से आना है, मतलब ही वॉज टेस्टिंग मी फ्रॉम टू वेज। तो ठीक है, जो 15 मिनट में जो मुझे मिले थे मैंने 6 मिनट में ही पूरा टास्क कम्प्लीट कर लिया था, तो माई कमांड टास्क वॉज वेरी गुड, जो मुझे उसका सबसे ज़्यादा ही डर था और कमांड टास्क आई। फिर क्या होता है, फाइनल ग्रुप टास्क हुआ, फाइनल ग्रुप टास्क भी हम लोगों ने बिफोर द टाइम कर लिया, सब कुछ अच्छा था। अब आती है कॉन्फ्रेंस की बारी, कॉन्फ्रेंस भी ऐसा कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं थी जैसा हमें वो डाउट केस का होता है, सिंपल कॉन्फ्रेंस थी। गया मैं, आई हैड दिस स्माइल ऑन माई फेस, सो प्रेसिडेंट हैज आस्क्ड एंड अपलोडेड दैट यू हैड अ गुड स्माइल, सो आई रिप्लाइड थैंक यू सर। सो उनने मुझे बिठाला, उनने पूछा हाउ वॉज योर स्टे, हाउ वॉज द फूड, हाउ डिड यू एन्जॉय इट, वॉट यू लर्न, तो वही मैंने बताया कि वहाँ पर काफ़ी एक्चुअली वहाँ पर काफ़ी पंजाबी और मराठी ज़्यादा थे, तो आई लर्न पंजाबी एंड देर आर एन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर प्लेइंग बास्केटबॉल, सो आई ऑल्सो लर्न बास्केटबॉल। तो यही सब काफ़ी अच्छा स्टे था, वहाँ पर काफ़ी कुछ इन्जॉय किया। और फिर इंटरव्यू में आई गेव दी हिंट के आई वॉन्ट टू ज्वाइन स्पेशल फोर्सेज, सो दे आस्क अ लिटिल अबाउट फॉर दैट कि क्या कौन सा कोर ज्वाइन करना है, सो आई रोड इन्फेंट्री एंड देन ही आस्क अबाउट दी विच रेजिमेंट, सो आई आंसर्ड पैराशूट रेजिमेंट एंड फॉर बटालियन आई गेव दी आंसर आई वॉन्ट टू ज्वाइन 9 पैरा SF। सो ही ऑल्सो आस्क अबाउट दैट ओके वॉट इज इक्वेलेंट टू स्पेशल फोर्सेज ऑफ आर्मी टू नेवी एंड एयरफोर्स, सो इट वॉज गरुड कमांडो एंड मार्कोस, नथिंग न्यू, सो इट वॉज ऑल अबाउट इट एंड ही गे प्रेसिडेंट सेड ओके बेस्ट ऑफ लक यू कैन गो, सो आई गॉट आउट ऑफ द हॉल। तो बाहर आए बैठे सब, थोड़ी एक दो घंटे बाद रिजल्ट आ गया एंड वेन ही अनाउंस चेस्ट नंबर 17 आई फॉरगॉट एवरी थिंग बिकॉज वी गॉट द इंस्ट्रक्शंस के जिसका भी चेस्ट नंबर बोला जाए ही हैव टू टेल हिज नेम डेट ऑफ बर्थ एंड मार्क ऑफ रिकॉग्निशन। तो उन्होंने जैसे चेस्ट नंबर 17 बोला आई लेफ्ट ऑल माई बैग एंड एवरी थिंग एंड आई स्टूड अब्रेस्ट ऑफ हिम, पर मैं अपना नाम भूल गया वहाँ पर कि मेरा नाम क्या है। सो ही सैड ओके जेंटलमैन व्हाट्स योर नेम, सो आई वेक्ड अप टू द रियलिटी एंड सैड ओके सर माई नेम इज़ प्रिंस सोनी एंड माई डेट ऑफ बर्थ इज दिस एंड फॉर दी मार्क ऑफ रिकॉग्निशन आई वॉज चोक्ड, सो मैंने दिखा दी सर एक ये एक ये, हाँ तो इतना हो गया। सो ही वॉज स्माइलिंग, तो ही सैड ओके टेक योर बैग एंड स्टूड असाइड, तो हम 10 बंदे थे हम साथ में खड़े हुए। फिर उसके बाद हमें सिलेक्शन सेंटर के जो कमांडेंट थे हमें उनके पास ले जाया गया, दे विश अस गुड लक। उसके बाद हमें हमारी डॉर्मेट्री अप्रूव अलॉट कर दी गई। बाद में मेडिकल कॉन्फ्रेंस हुई, आई वॉज कम्प्लीटली फिट, आई एम फिट फॉर आर्मी एंड नेवी, सबके लिए फिट हूँ, तो कोई TR वगैरह नहीं है फॉर्चुनेटली, और मैं क्लियर मेरिटिन भी है, तो बस जाने की तैयारी, दैट्स ऑल।